हेलो दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रेडिंग लैब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो आज हुआ है मार्केट में मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश कर गई है निफ्टी जो है अंदाजन साढ़े तीन परसेंट के लगभग क्रैश कर गया है और बैंक निफ्टी अंदाजन छः परसेंट के आसपास क्रैश कर गया है क्या रीजंस थे और कैसे जो है ये चीज़ें हुई और कल के लिए आपकी क्या थोड़ी बहुत प्रिपरेशन होनी चाहिए मार्केट पर कैसे आपको प्ले करना चाहिए वो सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे पहले दोस्तों एक अनाउंसमेंट अगर आप ट्रेडिंग आपका जो प्रीमियम टेक्निकल एनालिसिस कोर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है शुरुआती ट्रेडर्स को और शुरुआती ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल आपको मार्केट में हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है महंगे कोर्सेज पे आपको जो है अपना डी ट्रेडिंग अकाउंट हमारे थ्रू ओपन करना पड़ता है और आपको ट्वेल्व आवर्स का कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी में दिया जाता है और ये प्रीमियम कोर्स है बारह घंटे का बारह घंटे में सारी चीज़ें हमने कवर की हैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और और दोस्तों आप अगर एंजल ब्रोकिंग में हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग भी फ्री रहती है और आपको वाउचर्स भी मिलते हैं और वन मंथ के ब्रोकरेज बेनिफिट्स भी मिलते हैं तो आप डायरेक्टली लिंक से अकाउंट ओपन करके हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हम आपसे प्रीमियम जो कोर्स है वो शेयर कर देंगे तो दोस्तों आज की बात करें हम तो देखिए आज की बात करें तो वॉलेटिलिटी कैसे शूटअप की है ये मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए दोस्तों इंडिया विक्स इंडिया विक्स का ये ग्राफ है और इंडिया विक्स आप देखेंगे इंडिया विक्स अंदाजन 21 के लेवल पे चल रहा था फ्राइडे को और जैसे ही सुबह मार्केट ओपन हुई इंडिया विक्स जो है डायरेक्टली 22 के लेवल पे शूट अप कर गया ये 22 के दो, दोस्तों इंडिया विक्स जो है वो वॉलीटिलिटी का मेजर है जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये इंडिया विक्स जो है वो शूटअप कर जाता है और इंडिया विक्स जो अगर हायर लेवल पर जाता है तो वो देखिए मार्केट जब भी गिरती है तभी लोगों के मन में डर जो है बढ़ता है मार्केट जब बढ़ रही होती है तब डर नहीं बढ़ता है तो यहाँ पे मार्केट के गिरने का सिग्नल इंडिया विक्स ने शुरू में ही दे दिया था जब भी इंडिया विक्स इतना बड़ा स्पाइक शुरू में दे देता है एक पॉइंट नोट कीजिएगा जब भी शुरू के पंद्रह मिनट में या दस मिनट में ये स्पाइक आ जाता है तो पूरा दिन जो है आपको एक ट्रेंडिंग डे ही मिलने वाला है तो इंडिया विक्स से भी आप जो है ट्रेंड का बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि आज का दिन जो है वो ट्रेंडिंग होने वाला है या फिर आज जो है ये जो गिरावट है ये टेम्प्रेरी है तो इंडिया विक्स से आप देखेंगे तो देखिए निफ्टी में निफ्टी में अगर आप देखें तो निफ्टी में कल की जो हमारी क्लोजिंग थी वो अंदाजन चौदह हजार आठ सौ साठ के आसपास की थी और ये ओपनिंग ही हमें चौदह सात सौ की मिली तो सीधा हम डेढ़ सौ पौने दो सौ पॉइंट गैप डाउन हो गए और गैप डाउन होने के बाद शुरू की जो पंद्रह मिनट की कैंडल थी दोस्तों उसने ही सिग्नल कर दिया था आपको देखिए बनने को तो आपके लिए देखिए शुरू के छोटे टाइम फ्रेम में आप जाएं टू मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको अच्छे खासे अच्छे खासे इंडिकेशन मिल रहे थे देखिए यहां पे मैं आपको देखिए जो टेक्निक्स बता देता हूं देखिए यहां पे ब्रेकआउट मिल रहा था शुरू की कैंडल में फिर देखिए इनसाइड बार बना इस इनसाइड बार का एक ब्रेकआउट मिला और यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी मूव आपको शुरू में ही मिल रही थी तो देखिए जो ये मॉर्निंग की मूव्स होती हैं इसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेट कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना पड़ता है कौन सा देखिए पुट के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना पड़ेगा किस पुट का प्रीमियम ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा ये सारा दोस्तों एक अलग वीडियो में मैं कवर करूँगा कि डे वाइज आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना पड़ता है इस वीडियो में हम देखेंगे कि कारण क्या रहे देखिए कारण देखिए सिंपल रहा देखिए मैं आपसे जो रेगुलरली वीडियो शेयर करता हूं और कल मैंने वो वीडियो आपसे शेयर नहीं किया आ, जो ब, वीकली आपको किन किन फैक्टर्स पे नज़र रखनी चाहिए लास्ट टाइम भी मैंने आपसे शेयर किया था कि कोविड 19 के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अभी पिछले चौबीस घंटे का अगर आप देखेंगे तो पिछले ट्वेंटी आवर्स में आ, अंदाजन एक के आसपास पास केसेस आए हैं और और ये एक बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है जिससे कि जिससे कि जो बिजनेसेस हैं वो सीधा डिस्टर्प्ट हो रहे हैं और महाराष्ट्र तो सीधा सीधा लॉकडाउन की कंप्लीट लॉकडाउन की बात कर रहा है तो ये फैक्टर्स मार्केट्स ने सुबह सुबह ही भाप लिए और कोविड नाइन्टीन के केसेस ओवरऑल भी बढ़ रहे हैं ओवरऑल अगर आप देखेंगे ओवरऑल भी कोविड नाइन्टीन के केसेस बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अगर दोस्तों मैं आपको लाइव इंडेक्स डॉट ओ आर जी पर ले जाना चाहूँगा लाइव इंडेक्स डॉट ओ आर जी पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी मार्केट मार्केट्स जो है शुरू शुरू में आज जो है प्रेशर में थी अगर आप निक्की देखें निक्की भी यहाँ पे प्रेशर में था और ये देखिए अगर आप देखें तो निक्की भी प्रेशर में था जो जापान का इंडेक्स है उसके बाद चाइना देखें चाइना भी डाउन था निफ्टी तो डाउन था ही दोस्तों और काफ़ी सारी मार्केट्स जो है यहाँ पर प्रेशर में थी और उसका जो है देखिए यहाँ पर एम्प्लीफाई इसलिए हो गया इफ़ेक्ट क्योंकि जो फ्राइडे को केसेस थे वो बहुत कम थे अगर हम डेली की बात करें डेली में मैं रहता हूं तो डेली में दस हज़ार सात सौ केस आए हैं पिछले आ, पिछले जो ट्वेंटी फोर आवर्स में तो कोविड नाइन्टीन एक रोल बहुत ज़्यादा प्ले करेगा और दूसरा जो है दोस्तों रुपी रुपी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है क्योंकि पिचत्तर और सेवनटी फाइव पॉइंट वन फाइव यानी सेवनटी फाइव पॉइंट वन फाइव का आज लो बनाया अगर आप देखेंगे यू एस डी आई एन आर मैं खोलूँ अप्रैल का देख लीजिए तो यहाँ पर सेवनटी फाइव पॉइंट टू जीरो पे, पे देखिए ये अभी आ, बंद हुआ है और यहाँ पे देखेंगे तो रुपी जब भी वीक होता है तो इसका सिग्नल सीधा सीधा होता है दोस्तों कि जो हमारे एफ़ हैं वो यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं और आप देख ही रहे होंगे कि जैसे जैसे मार्केट गिरती जा रही है तो ये अपना यू एस यानी हमारा रूपी जो है वो डॉलर के मुकाबले वीक होता जाएगा और ये सेवनटी और सेवनटी के लेवल्स और सेवेंटी के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है प्रोवाइडेड अगर ये डाउनफॉल नहीं रुकता है और जो जो कि देखा जा रहा है कि ये डाउनफॉल अभी इतना जल्दी रुकेगा नहीं तो आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे तो मैं बैंक निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करूं क्योंकि देखिए जो मूवमेंट्स होती हैं दोस्तों वो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा होती हैं तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी एक चैनल में था अगर आप देखेंगे ये वाला चैनल बैंक निफ्टी का था और यहाँ इस चैनल से इसने ब्रेक डाउन किया है और ब्रेक डाउन करने के बाद ये यहाँ पे आया है तो ये एक सपोर्ट एरिया इसके लिए जो एमर्ज हो रहा है दोस्तों वो एक सपोर्ट एरिया जो मैं आपको दिखा देता हूँ ये एक सपोर्ट एरिया बहुत अच्छा एमर्ज हो रहा है और यहाँ पर बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है ये देखने की बात होगी और ये सपोर्ट एरिया अंदाजन उनतीस हज़ार साढ़े आप होलसम में लें तो उनस हजार जो है उनतीस हजार छ सौ सात सौ के आसपास यह एरिया है और तीस हजार तीस हजार से उनतीस हजार छ सौ तिरासी यह एक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल अगर ओपनिंग जो है देखिए सिंपल सा लॉजिक देखिए कल जो अगर ओपनिंग आपकी ओपनिंग आपकी गैप डाउन होती है अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे ओपनिंग और यहाँ से 200 300 पॉइंट 400 500 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे अगर कहीं ओपन होता है तो हमें यह देखना होगा कि क्या बैंक निफ्टी गैप डाउन होके स्लाइड करके इस एरिया में आता है इस एरिया में कुछ होल्ड करता है होल्ड करके कहीं ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है या फिर यहाँ पे कहीं वी टाइप का एक पैटर्न बनाता है तो वहाँ से रिकवरी पॉसिबल है लेकिन अगर यहाँ होल्ड करता है अगर ये चार पाँच घंटे भी होल्ड कर गया यहाँ पर और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करने की कोशिश करेगा कोई भी बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न जैसे कि फ्लैग बन रहा है या फिर कोई हॉरिजॉन्टल लेवल बन रहा है उसको डाउन करता है तो ये चीज़ आपके लिए देखने की होगी देखिए बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है कल भी एक्सपेक्टेड है लेकिन गैप डाउन गैप डाउन के साथ एक्सपेक्टेड है या फिर आपको मौका देगा ये एंट्री करने का ये कल देखना है तो यहाँ गैप डाउन का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि अगर गैप डाउन का सिनेरियो बनता है तो क्या और देखिए अगर ये यहीं कहीं अगर ये आप देख रहे हैं कि यहीं कहीं इसी लेवल पर ओपन हो जाता है जहाँ पर क्लोजिंग हुई है उससे डेढ़ सौ दो सौ पॉइंट के बीच में यहाँ कहीं ओपन होता है तो फिर हमें इंट्राडे का पैटर्न देखना होगा कि इंट्राडे में गैप डाउन होने के बाद क्या वो ऐसा डब्ल्यू टाइप पैटर्न कुछ बनाता है थोड़े ज़्यादा टाइम फ्रेम में यानी टेन मिनट में या फिर ऊपर अगर थोड़ा गैप अप ओपन होता है क्योंकि देखिए हैवी सेलिंग आई है थोड़ा अप होने के बाद ऊपर की तरफ एम पैटर्न बनाता है तो ये एम और डब्ल्यू पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ जिसमें एम और डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर डिटेल्ड <coughs> जो है एनालिसिस होगा तो ये दो दोस्तों दो कारण थे जो कि कोविड 19 के केसेस बढ़ रहे हैं और मैं हमेशा से अपने वीडियो में जो वीकेंड वाला वीडियो है उसमें कवर करता ही हूँ ये टॉपिक तो ये और एक जो रूपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा है तो ये दो फैक्टर्स हैं जो मार्केट में हैविली जो है वो कर रहे हैं और इसका इफ़ेक्ट जो है सीमेंट इंडस्ट्री और काफ़ी बिजनेसिस पे होने लग गया है सीमेंट इंडस्ट्री ने बोल दिया है कि हमारे को सप्लाई जो है सप्लाई करने में सीमेंट को ऐसे एरिया जो कि कंटेनमेंट जोन में आते हैं या फिर महाराष्ट्र एक पार्शल लॉकडाउन में है तो हमें सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट्स यानी बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही हैं और ऐसे सारे बिजनेसेस धीरे धीरे रिपोर्ट करेंगे आ, अपना जो है ब, अपनी जो है कमियां या अपनी जो है ब, जो, जो, जो बॉटल नेक्स्ट हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक जो है ना स्ट्रोंग सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है तो लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो सेल ऑफ होगा वो इतना ज्यादा इंटेंस नहीं होगा देखिए ये अब देखिए अगर आप देखें ओवरव्यू पूरा देखें तो यहां पे देखिए आपके लिए ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन है <coughs> ये वाला जोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके बाद अगर ये टूटता है तो एक ये मुझे जोन दिख रहा है और फिर उसके बाद सीधा ये तेईस हज़ार का जोन है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ये यहाँ संभल जाता है नहीं संभल पाता तो सत्ताईस हज़ार अट्ठाईस हज़ार का जोन तो आपके लिए बैठा है जो कि इसको अंदाजन संभाल लेगा जहाँ से ये जो है एक स्विंग लो बना था तो आपको इंट्राडे में मैंने बताया एम और डब्ल्यू पैटर्नस इनके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेने लेके आने वाला हूँ कि एम और डब्ल्यू पैटर्नस कैसे काम करते हैं हैं. तो दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ देखिए आपका काम है कि सिर्फ आप लाइक और शेयर करके मोटिवेशन ज़रूर कीजिए क्योंकि देखिए ये सारे जो है ना प्रीमियम कॉन्टेंट है जो मैं आपसे चैनल पर शेयर करता हूँ आप देख ही रहेंगे और जो भी सारी न्यूज़ आती हैं जो भी सारी चीज़ें होती हैं एल्गो ट्रेडिंग से ले आपकी जो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटी विद हम जो है प्रूफ आपको दिखाते हैं जीरोदा स्ट्रीक पे काफ़ी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं जो मार्केट में रियली में आप काम करती हैं तो देखिए आपका भी एक काम बनता है कि आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों थैंक यू दोस्तों